हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी विद साक्षी फैमिली में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए ये क्या है। आप लोग जानते हो तो बताना प्लीज, कुछ लोग जानते होंगे जो बिहार से, उन्हें पता होगा। ये है खेसारी का साग, जो कि विंटर सीजन में बहुत ही फेमस है। सब लोग खाते ही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसका साग। बट मैं आज आपको इसका साग नहीं, कुछ और बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये इतना सारा आया है साग बनाने के लिए, तो इसमें जो कली देख रहे हो आप, इसमें जो देखिए ये इतना मैं इससे अलग छाट के रखी हूँ। ये बिल्कुल नाजुक जो टूसा होता है ना, ऊपर का हिस्सा जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको मैं अलग से रखी हूँ छाट के। और ये देखिए ये आया है बथुआ, तो ये दोनों मिलाकर साग बनेगा। तो कितना ताजा बथुआ है देखिए, खेत मतलब घर का ताजा ताजा आया है। तो बथुआ और एक खेसारी साग मिलाकर दोनों का साग बनेगा। और तो साग का वीडियो तो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये खेसारी का जो साग है, उससे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चटपटी सी कुच्चा बोलते हैं उसे, कुच्चा बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, और बस इसके लिए नमक और मिर्च चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो अभी मैं नमक और मिर्च को साइड कर देती हूँ, और फिर देखिए इसे क्या करना है। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही अच्छा, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे जब गांव में होता था। तो इस बार मौका मिला, मैं गांव आई हुई थी तो मौका मिला, तो सोचा एक बार क्यों ना इसे बनाकर खाया जाए। तो इस तरह से इसे हाथ से मरोड़ मरोड़ कर तोड़ लिया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट वाला ये है हिस्सा। और इस तरह से इसे जितना हो सके उतना आप टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है। और इसमें नमक और मिर्च को डाल दीजिए, तो मिर्च को भी इसे छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से करके डाल देना है, और जितना हो सके आप इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये करते करते पूरा ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसी तरह से इसे तोड़ लेना है। और सच में ये कच्चा भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, जितना अच्छा इसका साग लगता है उतना अच्छा ये ऐसे जो मैं बना रही हूँ इसे कुच्चा बोलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए मैं मिर्च को भी ऐसे ही हाथ से, ये बिल्कुल देसी तरीका, हाथ से इस तरह से ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बहुत ही तीखा मिर्च है। और नमक, और चाहे तो धनिया पत्ता डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, बस नमक और मिर्च ही डालते हैं। और ये हो गया खाने के लिए रेडी, बस अब कुछ नहीं करना है। इसे इस तरह से फिर मिक्स कर लीजिए नमक और मिर्च, और खा के देखिए बहुत ही अच्छा लगता है चटपटा। तो ये था हमारा कुच्चा का रेसिपी। तो कैसा लगा फ्रेंड ये वीडियो, प्लीज जरूर बताइएगा। आप लोग में से कौन कौन खाए हैं, कौन देखे हो ये साग, जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग। ये देखिए हमारा कुच्चा बनकर रेडी हो चुका है, और मैं इसे खाने वाली हूँ। और साक्षी खेल रही बैडमिंटन, हम लोग अभी छत पे बैठे हैं। तो फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।